हेलो गाइस, दिस इज अदील, वेलकम टू रिएक्शन रील्स। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही फनी और बहुत ही मजे की होने वाली है, क्योंकि एक शख्स है जो इंटरनेट पर बहुत ही वायरल हो रहा है अपनी शायरी को लेके, जो आपको स्टार्ट में बहुत ही सीरियस शायरी दिखाएंगे, आपकी आंखों में पानी आ जाएगा, आप यानी कि ऐसा लगेगा आप बस रो पड़ेंगे। अभी ऐसी शायरी करते करते आपको ऐसी फनी कोई बीच में बात लेकर आते हैं कि आप लोग भूल ही जाते हैं कि भाई आप इमोशनल हो रहे थे इस वीडियो के ऊपर, या कुछ इस तरह का था, कुछ ऐसा चल रहा था। ऐसी यानी कि शायरी है उनकी। जी, उनका नाम है फैसल रामे, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है और बहुत ही कमाल के शायर और बहुत ही कमाल के इंसान है। तो सीधी सीधी हम उनकी एक वीडियो शुरू करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर सारी बातचीत करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको मिलती है। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। तुमको पता है तुमसे बिछड़ने से क्या हुआ? तुमको पता है ऐसे ये कहते तेरे में कोनी मार देनी उधर भाई, अगर चल उधर तुमको पता है तुमसे बिछड़ने से क्या हुआ? इसको समझाओ कैसे कहना है। नहीं पता हूँ यार। नहीं नहीं, इसको कह के समझाओ कि किस तरह कहना है। तुमको पता है ऐसे कहो चल जा जबला मार दो सदर महफिल ये आप। तुमको पता है तुमसे बिछड़ने से क्या हुआ? वाँ वाँ वाँ। ये अंदाज है। तुमको पता है तुमसे बिछड़ने से क्या हुआ? हमको अकेला छोड़ के हिम्मत चली गई। ओहो, हमको अकेला छोड़ के हिम्मत चली गई। मोहब्बत में कोई साथ छोड़े तो टूट ना जाना, ओ दाने पे दाना, ओ दाने पे दाना। वाह वाह, तो दाने पे दाना और दाने पे दाना। तेरे बगैर सब कुछ होता है। तेरे बगैर सब कुछ है होता, बस गुजारा नहीं होता। क्या बात है, जिसे दिलो जान से चाहा वो हमारा नहीं होता। गैरों के पास जाके मुझको ना सताना, दिनक दिन ताना उदम तो बजाना। ये भी इतना सा था, सॉरी। ये भी इतना सा था, दिनक दिन ताना। हिचर में हालत लड़ना हो टैर जाइए यार। ठीक ठीक यार, फैसल साहब क्या कर रहे हैं आप? तेरे हिचर ने हालत बिगाड़ दी मेरी। मैं अपने गांव का सबसे हसीन लड़का था। तेरे हिजर ने हालत बिगाड़ दी मेरी। मैं अपने गांव का सबसे हसीन लड़का था। अब तेरी जिंदगी में दो ही मोड़ हैं। सबनाबाद मोड़ लाहौर। बेहतर है तू अपने रस्ते को निकल जा, कुंडी ना खड़का सोनिया सीधा अंदर। कुंडी ना खड़का सीधा अंदर। महंगाई जैसा इश्क है मेरा। वाह, ये नहीं बात रहे। महंगाई जैसा इश्क है मेरा, कमबख्त बढ़ता ही जा रहा है। मेरे आंगन में कांटों के सिवा कुछ नहीं। आप मुद्दत के बाद आए हो, हका बका हो स्वामी आमिना हो। तू मुझे छोड़ गया। पता नहीं मैं कहता हूँ स्वामी आमिना हो। तू मुझे छोड़ गया तो कैसे मैं जीता दिस टाइम फॉर अफ्रीका। अभी हम जिंदा हैं, तुम देख के क्यों घबराते हो, हका बका हो हका बका हो। अपना बहुत ख्याल रखिए नाज़रीन। बात ये है कि क्या कहे इस बंदे के पास, ऐसी ऐसी शायरी है, एक हमने इनकी पहले भी वीडियो की हुई है, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो लाजमी देखिएगा। मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग वो भी देखें। बहुत ही कमाल की शायरी की है इन्होंने। और ये जो इसके अंदर डाला था हक्का बक्का हो वो एक अलग सी शकीरा आ गई इनमें। बहुत ही कमाल के यार, ये बंदा ऐसी ऐसी शायरी के अंदर और ऐसी ऐसी फनी एलिमेंट्स डाल देता है कि बंदा हैरान हो जाता है। एक वो शो के अंदर
जो सनम जुगन है, क्या नाम है उनका मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है, उनके शो के अंदर गए, उनके शो के अंदर जो इन्होंने वो एक इनकी शायरी है जो इन्होंने अपने बाबा पे बनाई हुई है सारी, वो सारा कर कुर के एंड में जो फनी एलिमेंट डाला वो यूँ देखते रहे, ये क्या हो गया, ये शायरी कहाँ से किधर को चलेगी। बहुत ही कमाल की शायरी होती है, और जो जिन्होंने नहीं देखी ना इनकी वो लाजमी चेकआउट करें, बहुत ही कमाल की शायरी। आप लोगों का हंस हंस के ना हालत बुरी हो जाएगी, बहुत हमारी हो गई। सही बात है, अभी तो इनकी और है, मैं कोशिश करूंगा इनकी जो और वीडियोज है मैं वो भी लेकर आऊँ, बहुत ही कमाल की वीडियोज होंगी। तो अभी तक यही था, मुझे तो बहुत मज़ा आया वीडियो को, आई होप आप लोगों को भी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब हमारे जो व्यूवर्स हैं वो बहुत कम कर रहे हैं, जिनके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलेंगी। तो 98.9% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले थोड़ी सी, हमें भी लगे कि यार लोगों को हमारा काम अच्छा लग रहा है। लाइक्स तो आ रहे हैं वीडियो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। अभी तक के लिए यही था, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए।